देखिए बच्चों, उसके कुछ एग्जांपल और रह गए जो आपको आज बताए जाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। निगेटिव में कैसे क्या बनाएंगे? निगेटिव में पहले इसमें आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, और ऑब्जेक्ट क्या है, योर सर्वेंट। तो पहला रूल यही था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे योर सर्वेंट, क्या लिखोगे? योर सर्वेंट। अब योर सर्वेंट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। तो क्या लगाओगे? बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटेन। नहीं, ये नॉट है तो यहाँ पहले नॉट लगाइए, ठीक है? और फिर बीट का बीटेन। फिर बी वाई वाई लगाएंगे। यू का क्या होता है? यू, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में देखिए, अब नॉवेल्स है, नॉवेल्स एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन, तो क्या लगाओगे आगे? इज एम आर में से क्या लगेगा? आर। क्या लगाओगे? आर। आर, फिर लिखिए नॉवेल्स। नॉवेल। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड। फिर क्या लगाओगे? बाई। बाई। देखा? देम। देम। पीछे इंट्रोगेटिव मार। आगे ध्यान दीजिए, हु वाले सेंटेंसों पे विशेष ध्यान देना। हु वाले सेंटेंस जब बनाए जाएंगे तो बाय होम से बनते हैं। काय से बनेंगे? बाय होम। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो लिखेंगे सबसे पहले हम बाय होम। ये बाय होम, ठीक है। अब बाई होम के बाद लगाइए आर। यू के अनुसार लगा रहे हैं। यू हेल्प की थर्ड, वो हेल्प दी गई है, आर नहीं लगेगा इसमें। हेल्प हमने लिख दिया, हेल्प की जगह पे हेल्प लिखो तब लग जाएगा, ठीक है। हेल्प लिखिए, बाई होम, हु हेल्प यू, तो लिखना बाई होम आर यू हेल्प, ठीक है। ऐसे बनेगा तुम्हारा। अब इसके बाद में डालिए आगे, ध्यान दें बोर्ड पे। अब देखिए इसके बाद में दूसरा टेंस तुम्हारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस में कैसे क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो एक्टिव पैसिव बनेगा, तो सबसे पहले वही रूल लगाना। पहला रूल क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। दूसरे में क्या लिखोगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर दिया जाता है उसके साथ में क्या बढ़ा दोगे? बींग, ठीक है। तीसरा रूल वही रहेगा, क्या लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में अन्य शब्द, बाकी के अन्य शब्द। फिर क्या था? बी वाई वाई। फिर क्या था? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बोला करो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। यही रूल तो लिखवाए थे कल। यस मैम। आप देखिए इसमें सेंटेंस कैसे क्या बनाने हैं आपको। दिया गया है इसमें सेंटेंस, आई एम रीडिंग ए बुक। एग्जाम्पल में हमने ले लिया है, एक्सरसाइज 32 है, ठीक है। आई एम रीडिंग ए बुक। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट ए बुक, तो ए बुक का क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। तो क्या लिखोगे? ए बुक। क्या लिखोगे? ए बुक। ए बुक एक वचन है बहुवचन? एक वचन। इज लगेगा, इसके साथ क्या पड़ेगा? बींग। बींग। रीड की थर्ड फॉर्म रीड। बी वाई वाई। आई का क्या होगा? मी, ठीक है। फिर देखिए अगला, आगे दिया गया है यू आर राइटिंग ए लेटर। यू आर राइटिंग ए
लेटर, ठीक है। अब इसका क्या बनाओगे? बताओ, इसका बनाओगे ए लेटर, ए लेटर इज राइट की थर्ड फॉर रिटेन, इसके साथ क्या लगाओगे पहले? बींग, बींग के बाद रिटेन, फिर क्या लगाओगे? बी वाई वाई यू, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें हमारा सीता सब्जेक्ट हो गई और ये सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ए सॉन्ग आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बना देंगे इसको, लिखेंगे ए सॉन्ग इज, फिर बींग, सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, क्या होगा? संग। फिर क्या लगाओगे? बाई, सीता का सीता, सीता। आगे देखिए, दिया गया है सी इज सोहन राइटिंग ए लेटर, इज सोहन राइटिंग ए लेटर। फिर है भाई आर यू रीडिंग दिस नॉवेल, भाई आर यू रीडिंग दिस नॉवेल। फिर अगला है आपका, हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू आउट साइड। ये आप लोगों को बनाने हैं, बना लोगे? Yes, है? Yes, बना के फिर आप हमें बताएं।